नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाथरस के सासनी अलीगढ़ मार्ग स्थित जादोन ढाबे पर खड़े ट्रक के चालक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटनाक्रम के मुताबिक शनिवार को एक ट्रक ढाबे पर आकर रुका, रविवार को इसके चालक दशरथ सिंह निवासी भांकरी खास की हालत बिगड़ी तो उसको अलीगढ़ उपचार के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं चालक के परिजनों ने ट्रक मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि ट्रक मालिक सभी को गुमराह कर मौके से फरार हो गया। उसके बाद परिजन शव को लेकर थाना सासनी आ गए और मालिक पर चालक की हत्या का आरोप लगाने लगे। घंटों की जद्दोजहद के बाद पुलिस ने तहरीर लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के कारण पता नहीं चल सका है। वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि मामले की गहनता से जांच कराई जा रही है, जो भी सत्यता निकल कर आएगी उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक के बेटे लोकेंद्र का कहना है कि मेरे पिता के शरीर, चेहरे व शरीर के अन्य स्थानों पर संदिग्ध निशान है। इसके साथ ही ट्रक मालिक का मौके से फरार हो जाना, ये सब संदेह के घेरे में आता है। हॉस्पिटल से लेकर आए थे। इन लोगों ने क्या बताया? इन लोगों ने कुछ नहीं बताया, अभी तो रिपोर्ट आया। छोड़ के हॉस्पिटल आएंगे, बॉडी को छोड़ के चले गए। बॉडी को छोड़ के चले गए। तो उनके चोटें हैं कहीं से? नहीं, उनको जब देखे थे हमने कुछ नहीं, चेहरे पे देखा था कुछ नहीं था। घर पर गए थे ना, घर पर ले गए थे कपड़ा वपड़ा, उनको पैरों पर फलक हो रहे थे, खाल चल रही थी हाथों के, हाथों पर और पैरों पर से, पैरों के और हाथों में खाल चल रही थी। नीली नीले हो रहे थे, बहुत नीले थे, फूल गया, मतलब समझ लीजिए उनको। तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ तक कुछ ना कुछ नशीली दवाई खिलाई, नशीली दवाई, केमिकल दवाई ऐसे घूमने से अटैक करने वाली। तो आपको हत्या लग रही है, आपके पापा की हत्या की? साजिश लग रहा है। वहीं कानपुर से महिलाओं की मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में युवती ने दहेज की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवती के मुताबिक बीती 3 फरवरी को युवती ने गांव के ही एक युवक से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जिसके बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग युवती को दहेज की मांग के चलते प्रताड़ित कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को मामले की लिखित शिकायत भी दी। पूरी घटना कानपुर के साढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। ससुराल में वही मेरे, हम घर गए थे, वही 7:30 बजे सुबह पुलिस को सूचना किया था। जी सूचना गया था 112 में, तो गई तो कह रहे थे साढ़ थाने में जाओ, तुम्हारी सुनवाई होगी। उसके बाद वहाँ पर गए तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी। वही ललितपुर के थाना बार के धमना गांव से झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने चाकू गर्म कर महिला की आंखें दाग दी। आंख जलाने के बाद भी दबंग महिला प्रताड़ित करते रहे उसको, जिसके बाद दबंगों ने महिला को बेसुध हालत में एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया, जहां रात भर महिला बेहोश पड़ी रही। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, पर पुलिस अभी तक दबंगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि धमना गांव निवासी 25 साल की महिला अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान रास्ते में स्कूल के पास उसके पड़ोस में रहने वाले हिमांशु रायकवार और गंगाराम उसे अगवा कर सुनसान इलाके में ले गए। इसके बाद दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए महिला उनसे भिड़ गई। इसके बाद दोनों आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट की और फिर चाकू गर्म कर उसकी आंखें दाग दी। आंखें दागने के बाद भी दोनों आरोपी महिला को पीटते रहे। इस बीच पेट्रोलिंग कर रही पुलिस का सायरन सुन दोनों लोग मौके से भाग गए। वहीं महिला पूरी रात बेहोशी की हालत में वहां पड़ी रही। जब रात भर महिला के घर ना पहुंचने पर उसकी देवरानी महिला की तलाश करने निकली, इस दौरान देवरानी को महिला जमीन पर पड़ी मिली, जिसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इस मामले में पीड़ित महिला की देवरानी ने बताया है कि दोनों आरोपी उनके पड़ोस में ही रहते हैं और 3 महीने पहले भी उन्होंने उसके पति व ननद के साथ मारपीट की थी। वहीं पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक गिरजेश कुमार ने बताया है कि महिला की शिकायत पर नामजद FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये घटना बार थाना क्षेत्र की है, जिसमें उक्त महिला
ने जो पहले प्रार्थना पत्र दिया था उसमें उसने मारपीट और धमकी की बात कही थी, जिस पर जो है अभी वो पंजीकृत था, और चूंकि इसको फिर हॉस्पिटल महिलादी हॉस्पिटल भेज दिया गया जहाँ उपचार के लिए और मेडिकल के लिए, जहाँ पर इसे कुछ चोटें आई हुई थी उसके आधार पर धारा 325 की बढ़ोतरी कर दी गई। बाद में महिला बताने लगी कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर जो है हमको मारे पीटे, तो अब इसकी विवेचना की जा रही, इसकी गहनता जांच की जाएगी, जो भी तथ्य और प्रकाश में आएंगे उस अनुरूप जो है अग्रिम कार्यवाही की जाएगी, मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी। शाम के 7 बजे हमने मतलब सौदा वहीं पे रखा दुकान में और दलिया लेके घर पे आ रहे थे। गैल में कुछ लोग हमारे गांव के थे, दो लड़के, उनने गैल में पकड़ के हमको एक गंदी हरकत की, तो हमने उन लोगों को चप्पल मारी। चप्पल मारने के बाद हमने हाथ पकड़ लिए और मतलब पकड़ के मुँह में कपड़ा ठूस के हमारे साथ ये लाइट ऐसे गर्म कर करके ऐसे जलाया गया, दोनों आँखों पे चिपकाया गया। क्या क्या चिपकाया जी? मतलब चक्कू थे ऐसे गर्म कर करके लाइटर पे ऐसे और ऐसे चिपकाए गए। रात फिर उसके बाद हमारे जेवर खींच लिए, हमने उन लोगों से कही कि हमारे हमने आपको चीन लिया, हम घर पे घर सबसे कह देंगे और चिल्लाएंगे इन लोगों ने हमारे साथ ये किया। तो उनने उसके बाद हमारे साथ और बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस का हॉर्न बज गया तो भाग गए, सब चीज वैसे छुड़ा गई। कितने बजे घटना थी? 8 बजे की। किस गांव के रहने वाले? धमना के। वो लोग कहाँ से? वे वहीं के रहने वाले हैं, धमना। कितनी तारीख की घटना है आपके गांव जी? 21 तारीख। तो आप थाने गए नहीं? जी हम थाने भी गए थे। कब गए थाने? थाने उदना की 21 तारीख की, एक दिना दूसरी रात भर डेरे उदना, क्योंकि दूसरे दिन हम थाने भी गए। कहाँ पे पड़ी रात भर? रात भर वहीं पे पड़े रहे। फिर कैसे? सवेरे हमारे घर वालों ने हमको ढूंढा तो हम डरे मिले, जहाँ हमारे घर वालों ने हमको उठाया। फिर वो कहाँ ले गए? थाने ले गए हमको। थाने में क्या हुआ? थाने में हमने उन लोगों को ये बताया तो उनने हमें दबाया चपाया धमकाया, ये नहीं आपको कहना है, लेकिन हमने कही जो हमारी सच्चाई हम वही कहेंगे, उसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। टोक्यो में हो रहे ओलंपिक खेलों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ओलंपिक रिले आज मथुरा पहुंची। वहीं टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली का मथुरा आगमन पर गणेशरा स्टेडियम में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर लक्ष्मण पुरस्कार विजेता रविकांत मिश्रा ने बताया कि टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं और भारत की तरफ से अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल इस बार ओलंपिक में भाग लेने गया है। इसको लेकर खेल जगत फाउंडेशन ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी खिलाड़ियों को उत्साहित कर रही हैं और इसी से प्रोत्साहित होकर हमने भी एक रैली निकाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ व अन्य युवाओं और खेल संघों का समर्थन हमको मिल रहा है। यह रैली बरेली से शुरू हुई है और लगभग 3625 किलोमीटर का सफर तय करेगी। उन्होंने बताया है कि यह रैली 51 जनपद जाएगी और टोक्यो ओलंपिक के बारे में लोगों को जागरूकता लाने का काम करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अभी कई जनपदों में ओलंपिक को लेकर अवेयरनेस नहीं है। दूसरा हमारा एक अभियान है, खेल चला गांव की ओर। इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है ताकि मनरेगा के अंतर्गत और 14वें और 15वें राज्य वित्त के अंतर्गत गांव में खेल मैदानों का विकास हो सके व गांव गांव में खेल और खिलाड़ियों की जो सुविधाएं हैं वह पहुंच सकें। वहीं इसी मौके पर जिला क्रीड़ा अधिकारी SP बामणिया ने बात करते हुए बताया कि आज ओलंपिक रिले मथुरा पहुंची है, जिसको लेकर एक प्रोग्राम हमारे द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जो खिलाड़ी टीम में जैसे हॉकी, बास्केटबॉल आदि खेलों में खेल रहे हैं उनको गोल्ड जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर पर 2 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने पर 1 करोड़ का प्रस्ताव भी दिया गया है। पहले ये पहले से काफ़ी समय से इसका जो है आगाज हो चुका है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा अगर इंडिविजुअल इवेंट में अगर ओलंपिक्स में अगर कोई स्वर्ण पदक लाता है तो यूपी सरकार के द्वारा 6 करोड़ की धनराशि दी जाती है। अगर सिल्वर मेडल लाते हैं तो 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लाते हैं तो 2 करोड़ की धनराशि का ये प्रावधान है, पूरा निश्चित है यूपी सरकार के द्वारा। इसी तरह अगर हम इंडिविजुअल में लाते हैं जैसे कॉमनवेल्थ है एशियंस गेम है तो उसमें जो है 15 लाख की धनराशि का पुरस्कार दिया जाता है। अगर नेशनल में बच्चा प्रतिभाग करता है वो सॉरी मेडल लेके आता है तो उसको जो है
75, 50 और 25,000 की राशि से सम्मानित किया जाता है। इसका उद्देश्य साफ है कि इस समय टोक्यो में ओलंपिक्स हो रहे हैं और उसमें भारतीय दल अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा दल गया है। इसको लेकर के खेल जगत फाउंडेशन ने ऐसी मुहिम शुरू करी कि ये दल का प्रोत्साहन किस लेवल पर होना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेकर के पूरे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग खिलाड़ियों का बहुत प्रोत्साहन कर रहे हैं। उन सबसे प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस तरह की एक रिले निकाली, जिसमें उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ का, खेल विभाग का, युवा कल्याण विभाग का, बहुत सारे युवाओं का, खेल संघों का हमें पूरा समर्थन पूरे प्रदेश में मिल रहा है। वही मुरादाबाद में प्रेमिका के साथ फरार युवक के भाई को गांव के लोगों ने पेड़ से उल्टा लटकाकर डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसके साथ ही मार पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस को जब घटना की जानकारी हुई तो पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई। मुरादाबाद के भोजपुर के रूपपुर गांव की ये पूरी घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उल्टा लटकाकर पिटाई की गई। भोजपुर में एक गांव में एक युवक की पिटाई का वीडियो जो वायरल हुआ है, उस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया है। सर, इस घटना का कारण क्या था, कुछ पता चला? जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी हुई है, जिन लोगों ने मारपीट किया है, उनके घर की लड़की के अपहरण के संबंध में इनके रिश्तेदारों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। इस कारण इनके द्वारा अभी तक मामला प्रतीत हो रहा है, शेष विवेचना की जा रही है। सर, जो पिटने वाला है वो कौन युवक है, मतलब पिटने वाला जो लड़की को लेकर के गया है उसका मौसेरे भाई की जानकारी मिली है और इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। हरदोई के कासिमपुर इलाके के गांव में 8 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 14 वर्षीय किशोर बालिका को बहला फुसला कर अपने घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं घर वापस लौटी बालिका ने जब पूरी बात परिजनों को बताई तब परिजनों को घटना का पता चल सका, जिसके बाद परिजन बालिका को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और मामले में शिकायत दर्ज कराई। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोर को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पीड़ित बालिका की मां ने पुलिस से शिकायत की है कि उसकी 8 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक 14 वर्षीय किशोर टॉफी खिलाने के बहाने अपने घर की छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। थाना कासिमपुर पर एक महिला द्वारा प्राथमिकता पर दिया गया है कि उसके 8 वर्षीय बालिका के साथ गांव के एक लड़के ने, जिसकी उम्र लगभग 14 साल है, बुरा काम किया है। पुलिस को जैसे सूचना मिली इसमें तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता जो बच्ची है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और जो अपचारी बालक है उससे पूछताछ की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा करके शीघ्र ही तो वहीं अगली खबर मथुरा से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, मथुरा के थाना नौझील पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ पुलिस ने पूर्व में हुई 3 चोरी की घटनाओं का भी खुलासा किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए डकैतों के कब्जे से पुलिस ने 138 गैस सिलेंडर, 12 बोरी सरसों और 32,300 रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी की घटनाओं में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 5 छुरे, 1 गन, सब्बल, 1 छेनी, प्लास, लोहे की रॉड, जैक और फावड़े आदि उपकरण भी बरामद कर लिए। वहीं पूरे मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद मथुरा के थाना नौझील में विगत 3 महीनों में कुछ घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफ़ी बोरे जो है चोरी हुए थे और भी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटनास्थल निरीक्षण और वहाँ से मिले साक्ष्यों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। विशेष रूप से ये जो गैंग है ये गाजियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मूलतः राजू बिहारी द्वारा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन 10 लोगों को शामिल करके इनको टारगेट किया जाता है, घरों को टारगेट करके या गोदाम को टारगेट करके वहाँ से चोरी की वारदात की जाती थी।
शकील जो है वो गाजियाबाद का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। जो सिलेंडर चोरी की इंडेन की एजेंसी से घटना हुई थी उसमें से 168 में से 138 सिलेंडर्स रिकवर हो गए हैं। जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी उसमें भी काफ़ी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक घटना लूट की रात्रि के समय पर घर में घुसकर हुई थी, उस घटना में भी जो चार मुलजिम अंदर गए थे उनके भी पूछताछ में बात सामने आई है कि इसी गैंग द्वारा वो घटना भी कारित की गई थी। वादी से भी इस संबंध में बात हुई है। तो बलिया के सुखपुरा के करनई गांव में वैक्सीनेशन सेंटर पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच ये मारपीट पहले वैक्सीन लगवानों को लेकर हुई है। वहीं इस मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इसके साथ ही दोनों पक्ष एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते भी नजर आए। इस विवाद के दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात डॉक्टर भी घायल हो गए। अब इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। थाना सुखपुरा में कल शाम को एक गांव में वैक्सीन कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि पहले वैक्सीन कौन लगाएगा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से तहरीर मिली है जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। बाराबंकी की जैतपुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय मॉर्फिन तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 560 ग्राम अवैध मॉर्फिन, 3 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। प्रेस वार्ता के दौरान मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार पांडे ने बताया है कि अभियुक्त पूर्व में भी मॉर्फिन तस्करी के आरोप में जनपद अयोध्या में जेल जा चुका है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि वह मॉर्फिन की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर ग्राहकों को गांव के बाहर जगह जगह बदल बदल कर बेचता था ताकि किसी को शक ना हो। आज जैतपुर कोतवाली पुलिस ने शातिर अभियुक्त को धर दबोचा है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई। जनपद बाराबंकी में मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सघन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जैतपुर पुलिस ने एक अंतर जनपदीय मॉर्फिन तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 560 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, साथ में 3 अदद मोबाइल और एक सेंट्रो कार भी की भी बरामदगी की गई है। ये अभियुक्त छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बाराबंकी से लगे आसपास के जिलों में लगातार मॉर्फिन की तस्करी करता रहा है। इसका काम अपने और सहयोगियों के साथ बेचने का, जिसकी तलाश की जा रही है। ये अयोध्या से पहले भी NDPS के मामले में जेल जा चुका है। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बरेली में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बरेली के बारादरी के ग्रीन पार्क कॉलोनी के पास हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से एक दूधिये की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग एक हादसे में घायल हुए हैं व झुलसे भी हैं। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से हुई इस घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने भी बिजली विभाग को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग की है। पीलीभीत में एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS के कर्मचारियों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आने पर मंगलवार को एम्बुलेंस कर्मचारियों ने चक्का जाम किया। एम्बुलेंस कर्मचारियों का साफ तौर से कहना है, जब तक उनकी सभी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा तब तक वह काम पर वापस नहीं आएंगे। इसका मुद्दा ये है कि हम सभी जो इस सरकार में इस समय GBK के ठेके में काम कर रहे हैं, अभी हाल में हमारे जो ALS के एम्प्लाइज थे
उनके साथ में उनको जीविके का टेंडर हटा, तो जिगित्सा नाम की कोई कंपनी को टेंडर दिया गया है, तो हमारे जो ALS के 1000 के समथिंग एम्प्लाई थे उनको जो है हटा दिया गया, दूसरे एम्प्लाईज को ट्रेनिंग दे दे के रखा जा रहा है। तो हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब हम सभी के साथ इस तरीके की घटनाएं सारे लोगों के साथ, अभी हमारे कुछ मित्रों के साथ हुई, आगे चल के हम सभी के साथ हो। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ ना हो, हम सभी को सुरक्षा मिले। मुद्दा ये भी है कि हम सभी को NHRM के तहत रखा जाए। देश की सरकार हम लोगों को सुन नहीं रही, हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है, इससे ज्यादा घिनौनी और कोई बात नहीं हो सकती। मथुरा के भरतपुर गेट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर भरतपुर गेट से जंक्शन को जोड़ने वाले मार्ग को अवरुद्ध किया। उनका कहना है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में पानी की समस्या है और पार्षद से शिकायत करने पर भी समस्या का हल नहीं होता है। हालात ये है कि अब 5 दिन से तो एक बूंद भी पानी नहीं आया, बस नगर निगम के द्वारा टैंकर रखवा दिए जाते हैं और उस पर भी आए दिन लड़ाई होती है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि टैंकर से पानी लेने में कई लोगों के बीच खूनी संघर्ष भी हो चुका है। आपको बता दें, भरतपुर के गेट के टकली गली, ऊंट गली, शंकर गली और चरियाना मोहल्ला में पानी की भारी किल्लत है, जिसके चलते आज स्थानीय निवासियों ने हाथ में खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही रोड पर तार लगाकर आने जाने वाले वाहनों को भी रोका। वहीं मौके पर पहुंचे भरतपुर गेट चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। वहीं जाम लगा रहे लोगों ने कहा कि उन्हें शाम तक का आश्वासन दिया गया है, यदि नगर निगम के द्वारा शाम तक पानी नहीं दिया गया तो फिर से वह भरतपुर गेट चौराहे को जाम करेंगे। पानी की समस्या जो है, पानी नहीं मिल रहा है, आज 4 दिन हो गए, लाइट भी नहीं मिल रही है, बिलों को इतने भेजते हैं, अब कहाँ से काम धंधे ही नहीं है, कहाँ से बिलों को भरे, टैंकर पर गाड़ी गुप्ता होती है, पानी नहीं भरने देते, हंगामा हो जाता है, बताओ पब्लिक कहाँ जाएगी। समस्या जी है कि पानी 4-5 दिन के नल ना रहे, अगर 30 तारीख अब चैम्बर टैंकर भेज रहे, टैंकर पर लड़ाई आ रही है, दो जने इनकी खोपी फूट गई हमारे घर में, है ना, और परेशानी कितनी आ रही, और लाइट तो लाइट ना आ रही, आते तो आते गंदे पड़े, नल से पानी नहीं आता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आ, और नल के पानी कभी जब महीना 2 महीने है गए ज्यादा ना आते, 2 बजे नल, कहीं 2:30 बजे आवाज देते नहीं है, कुछ भी देते नहीं, सूरती रह गई तो रह गई पब्लिक मारे गए, फिर से मेरे यहाँ फिरोजाबाद के पुलिस लाइन के सामने NH2 पर एक कार और बाइक में आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक फिरोजाबाद की ओर से शिकोहाबाद की ओर जा रहा था, तभी पुलिस लाइन के सामने घटना हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 एम्बुलेंस से फैजाबाद के ट्रॉमा सेंटर के इलाज के लिए भेज दिया है। वह कार और बाइक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वह मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त दोनों गाड़ियों को थाने भिजवा दिया है। 4 पहिया की गाड़ी थी, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, आमने सामने से एक्सीडेंट हुआ, सेना की गाड़ी आई, थाने से उनको हॉस्पिटल ले गई है। उसके कितनी चोट आई थी लगभग? उसके सिर में ज्यादा चोट है और वो बोल नहीं पा रहा था। तो फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।